सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के एक और बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों मैं हूं फिलहाल सीईएस में क्वालकॉम के बूथ पे, जहां पर दोस्तों बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहां पर दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं भैया, तो है यहां पर स्नैपड्रैगन 855। इसके अलावा दोस्तों बात कर रहे हैं 5G के बारे में, IoT के बारे में, कनेक्टेड कार्स के बारे में। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि क्या है यहां पर क्वालकॉम के बूथ में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ना मतलब बहुत सारी कमाल कमाल चीजें यार हमको देखने को मिल रही है। चाहे दोस्तों से बात करता हूँ स्नैपड्रैगन 435 पावर्ड छोटे से इस पाम फोन के बारे में, मतलब यार कितना कमाल सा और दोस्तों छोटा सा फोन है, जो कि दोस्तों काम में आता है एक्सेसरी की तरह। अगर आप लगाते हैं इसको अपने मेन फोन के साथ में ब्लूटूथ की मदद से, तो उसके बाद में आप यहाँ पर दोस्तों कॉल्स वगैरह ले सकते हैं। मतलब बहुत ही एक छोटा सा क्यूट सा डिवाइस है जो आपके मेन फोन के साथ में एक एक्सेसरी की तरह काम करेगा, तो यार ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और ये एक डिवाइस है जहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले है वो है एक ई इंक स्टाइल वाला, जहाँ पे आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी काफी लंबी। और ये दोस्तों इनफैक्ट पावर्ड यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 2100 सीरीज प्रोसेसर के साथ में, जो कि दोस्तों इनफैक्ट आपको कुछ स्मार्ट वॉचेस में भी देखने को मिल जाता है। और सर दोस्तों बात करते हैं अगर स्मार्ट वॉचेस की, तो यहाँ पे भैया पूरी लंबी लिस्ट है हमारे पास, जहाँ पर दोस्तों बहुत सारे तरह तरह के मॉडल्स हैं जो कि आज तक दोस्तों हैं मार्केट में फिलहाल, जो कि बेस्ड हैं स्नैपड्रैगन 2100 सीरीज प्रोसेसर के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ब्रांड न्यू 3100 सीरीज प्रोसेसर है उस पर बेस्ड भी कुछ स्मार्ट वॉचेस यहाँ पे हमको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अगर IoT की, तो वो भी यार एक बहुत ज़्यादा मेन हाईलाइट है, जहाँ पे दोस्तों कनेक्टेड डिवाइसेज हैं वो भी हैं काफ़ी सारे यहाँ पे, जो कि हैं पावर्ड क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ में। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों से बात करता हूँ नेटवर्क्स की, तो यार ये भी एक काफ़ी कमाल चीज़ है, जहाँ पर दोस्तों इनफैक्ट जो इंटेलिजेंट वाईफाई सिस्टम्स हैं, जहाँ पर दोस्तों अगर हमसे बात करते हैं इनफैक्ट गूगल वाईफाई वगैरह की, तो उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं क्वालकॉम का जो है प्रोसेसर वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो 5G है वो है मेन हाईलाइट, जहाँ पे हमारे सामने है दोस्तों फिलहाल 3 प्रोटोटाइप्स, जहाँ पे बात हो रही है मी मिक्स 3 5G वेरिएंट की। इसके अलावा है यहाँ पे दोस्तों ओप्पो का फाइंड एक्स, और दोस्तों इनफैक्ट यहाँ पे है वीवो नेक्स 5G प्रोटोटाइप। तो ये दोस्तों तीनों 5G फोन्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक 5G का रेफरेंस डिज़ाइन भी है, तो मतलब आगे चल के आप समझ लो बहुत ही बस जल्दी, बस कुछ ही दोस्तों दिनों कुछ महीनों की बात है, हमको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी कमाल 5G वाले फोन्स। यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा कुछ चार टेक्नोलॉजी जो है वो भी बताई गई है कि भैया कैसे कैसे यहाँ पर दोस्तों वो हमारी मदद करते हैं, और ऐसे में कौन से डिवाइस है मार्केट में दोस्तों जो कुछ चार्ज को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ AR और DR वगैरह की, तो उसके अंदर भी जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन पावर डिवाइसेज हैं वो दोस्तों काफ़ी सारे ऑलरेडी हैं ही मार्केट में। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आगे फ्यूचर में कुछ हमको तरह तरह से डिवाइसेज उन्हीं के कुछ प्रोटोटाइप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे AI का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा जो स्नैपड्रैगन 8CX पावर्ड लैपटॉप्स हैं वो भी हमारे पास में, जहाँ पे दोस्तों चलते हैं फुल फ्लेज विंडोज़ के ऊपर, तो यार ये एक बहुत ज़्यादा कमाल बात है। और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में भैया मेन चीज़ जो कि है क्वालकॉम कनेक्टेड कार, यहाँ पे दोस्तों तरह तरह के सेंसर्स हैं, तरह तरह के कंप्लीट डिवाइसेस सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जो कि कार को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाते हैं, और ऐसे में दोस्तों ऐड करते हैं तरह तरह की फंक्शनैलिटी। अगर हमसे बात करता हूँ नेविगेशन को लेकर, अगर उससे बात करता हूँ यहाँ पे और सेफ्टी को लेकर, तो ड्राइवर को असिस्ट करते हैं, और मतलब दोस्तों कैडिलैक एस्केलेड है अंदर से काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है, और शायद हम फ्यूचर में ऐसी कुछ कार्स देख पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालकॉम के बूथ में बहुत कुछ मिला देखने को यार, जहाँ पे स्नैपड्रैगन 855 का इंतजार तो हम सभी को है, और इसके अलावा 5G आएगा मार्केट में मिल जाएगा मज़ा। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 60Hz की वाईफाई जो है वो भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप वायरलेस तरीके से बड़े आराम से दोस्तों गेमिंग वगैरह जो है वो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे यार ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा कमाल दोस्तों चीज़ें अवेलेबल हैं, और ऐसे में काफ़ी मज़ा आया है। आगे दोस्तों देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या और कुछ नया नया देखने को मिलता है। दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका गुड सुझाव तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।